हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हमारा जो एसएसडी है, मेरे पास यहाँ पे दो एसएसडी है। हम इस एसएसडी को हम हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल करने वाले हैं, और उसके बाद जो हमारे कंप्यूटर में जो हार्ड ड्राइव है उसके अंदर जो विंडोज़ है उसको हम डायरेक्टली हम ट्रांसफ़र करने वाले हैं हमारे एसएसडी में। जो ओरिजिनल विंडोज़ है वो डायरेक्टली हम ट्रांसफ़र करने वाले हैं हमारे एसएसडी में। हम उसको रन करके हम सभी कुछ चेकिंग यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर हम अभी चलेंगे। सो ये है 480 GB का एसएसडी, तो हम इसको इंस्टॉल करेंगे हमारे कंप्यूटर में, और उसके बाद हम विंडोज़ भी हार्ड डिस्क से एसएसडी में हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो अभी मैं इसको ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 480 GB का एसएसडी, गीगाबाइट का है। सो इसको हम इंस्टॉल करेंगे अभी हमारे कंप्यूटर में। मेरा जो सीपीयू है वो लिनोवो का है, थिंक सेंटर का, तो हम इसमें इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। ये मेरा सीपीयू है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 TB का एक हार्ड डिस्क लगा है, और यहाँ पे हम दूसरा अभी हम यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पावर केबल है, और उसके बाद यहाँ पे एक साटा केबल पे उसको हम यहाँ पे हम हार्ड एसएसडी हम अटैच कर देंगे। ये देख सकते हैं ये पावर केबल है और उसके बाद एक साटा केबल है। अगर आपके पास ये पावर केबल और साटा केबल नहीं रहता तो आप केबल अमेज़ॉन से या फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं, आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये केबल हम यहाँ से हम पावर केबल को यहाँ पे अटैच करेंगे, और उसके बाद ये जो यहाँ पे साटा केबल, तो इसको मैं यहाँ पे अभी पावर केबल को भी यहाँ पे और साटा केबल यहाँ पे मैं इसको अटैच करके ले लेता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे केबल्स मैंने लगा दिया। अभी जस्ट मैं इसको यहाँ से फिट कर देता हूँ, इसको यहाँ से हम इसको फिट कर देंगे। ओके, तो ये मेरा हो गया यहाँ पर एसएसडी सेटअप डन। अभी मैं कंप्यूटर को यहाँ से अभी ऑन करूँगा। तो आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे सीपीयू ऑन हो गया। तो कुछ सेटअप करके लेना पड़ेगा हमारे कंप्यूटर में, वो सेटअप मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे ऑन करेंगे। थोड़ा सा वीडियो पॉज कर देता हूँ बिकॉज कंप्यूटर ऑन होने तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा कंप्यूटर यहाँ पे से ऑन हो गया, लेकिन जब हम दिस पीसी पे जाएंगे तो हमारे यहाँ पे जो हमने एसएसडी इंस्टॉल किए वो अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, दिस पीसी पे राइट क्लिक करेंगे और मैनेज पे हम क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हम क्या करेंगे, डिस्क मैनेजमेंट में हम जाएंगे और यहाँ से हम देखेंगे कि हमारा एसएसडी यहाँ पे दिखा रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एसएसडी यहाँ पे एक दिखाया, तो जस्ट इसको हम ओके करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्क वन में यहाँ पे ऑनलाइन यहाँ पर आ गया। तो हम इसको क्या करेंगे, राइट क्लिक, तो हम सिंपल न्यू सिंपल वाले पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ से हम इसको नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट और नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ से हम इसको फिनिश कर देंगे। तो ये पूरी तरह से फॉर्मेट होके हमें यहाँ पे हमारा एसएसडी हमें यहाँ पे मिल गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसको जो भी यहाँ से है इसको मैं भी इसको यहाँ से अभी सिंपल इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एसएसडी हमारा यहाँ पर आ गया। तो मैं आप कंट्रोल शिफ्ट एस्केप बटन दबाऊँगा, और उसके बाद यहाँ से हार्ड ड्राइव है, और उसके बाद आप देख सकते हैं एसएसडी, ये सीपीयू है, मेमोरी है, और उसके बाद हार्ड ड्राइव है, और ये डिस्क वन जो है एसएसडी है। तो हम यहाँ पे हमारा एसएसडी भी यहाँ पे दिखा रहे हैं, हार्ड ड्राइव प्लस यहाँ से एसएसडी। तो हम इसको सिंपल अभी क्लोज़ करेंगे। तो अभी हमें करना क्या है, जो हमारा हार्ड ड्राइव में जो विंडोज़ है तो उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे इस जी वाले ड्राइव में, एसएसडी में। तो हम उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल अभी यहाँ से एक सॉफ्टवेयर है, आपको इस सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन से, आपको मिल जाएगा मिनी टूल पार्टीशन विजार्ड, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे देता हूँ सॉफ्टवेयर, आपको वहाँ से आपको वहाँ से मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, माइग्रेट ओएस। तो यहाँ पे हम ये आई वुड लाइक टू रिप्लेस माय सिस्टम डिस्क विथ अनदर हार्ड डिस्क, तो हम यहाँ से अभी इसको हम नेक्स्ट करेंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्क टू, जो हमें जो डिस्क टू जो दिख रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं गीगाबाइट, ओके, तो गीगाबाइट का एसएसडी था, हम इसको यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे ऑल डेटा ऑन द डिस्क विल बी रिस्टोर्ड, हम यहाँ से इसको एस करेंगे। तो यहाँ से सिंपल हमें नेक्स्ट करना है, और उसके बाद यहाँ से फिनिश करना है। तो उसके बाद जस्ट हम यहाँ से हम इसको अप्लाई कर देंगे। अभी यहाँ पे
एस करेंगे, अब यहाँ पे रिस्टार्ट का ऑप्शन पूछ रहा है तो जस्ट हम इसको रिस्टार्ट कर देंगे। तो मेरा कंप्यूटर रिस्टार्ट हो रहा है अभी यहाँ से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे कोडिंग हो रहा है, प्रोग्रामिंग हो रहा है। इसको जस्ट सिंपल इसको होने दीजिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, यहाँ पे कोई चिंता करने की आपको बात नहीं है। मैं थोड़ा वीडियो पॉज कर देता हूँ जब तक ये सभी कुछ प्रोग्रामिंग कोडिंग इसको कंप्लीट करने दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉपी पार्टीशन 50% अभी यहाँ पे हुआ है, तो इसको 100% होने तक हम थोड़ा सा वेट करेंगे। 63% अभी कॉपी हुआ है तो हमें और थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो अभी हमारा सिस्टम रिस्टार्ट हो रहा है, इसको ऑलमोस्ट 1 घंटा लगा है। तो बीच में आप पावर अगर गया हो तो लाइट गया हो तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपका सिस्टम बीच में आपका CPU जो है वो बंद नहीं पड़ना चाहिए, या तो UPS के ज़रिए इसको ऑन रखिए। हमारा सिस्टम अभी रिस्टार्ट हो गया है तो हम इसको ऑन करके ले लेंगे। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे कंप्यूटर अभी रिस्टार्ट होके अभी यहाँ पे ऑन हो गया है पूरी तरीके से। तो अभी हम जस्ट चेक करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा अभी कंप्यूटर यहाँ से ऑन हो गया, लेकिन जो अभी विंडोज जो स्टार्ट हुआ है वह हार्ड डिस्क से स्टार्ट हुआ है। तो अभी हम इसका बूट का सीक्वेंस चेंज करेंगे, तो उसके लिए हम कंप्यूटर को एक बार जस्ट हम रिस्टार्ट कर लेंगे। यहाँ से हम रिस्टार्ट, तो आपके कंप्यूटर का आपका जो मदरबोर्ड है उसके ऊपर डिपेंड है। तो आपको अगर आपका लिनोवो का रहेगा तो आप बूट का सीक्वेंस के लिए F12 प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इंटरनेट पर चेक कर सकते हैं आपका बूट का सीक्वेंस क्या है। तो यहाँ से मैं भी F12 प्रेस कर रहा हूँ बूट का सीक्वेंस चेंज करने के लिए। तो यहाँ से हम इसको से हम इसको एंटर करेंगे। अब यहाँ से रिटर्न हम ऑन करेंगे, हम एक बार अभी चेक करेंगे कि SSD से ऑन हुआ है या तो हार्ड डिस्क से विंडोज स्टार्ट होए करके। तो अभी तक यहाँ से हार्ड डिस्क से ये ऐसे विंडोज ऑन हुआ है, तो हम इसको और एक बार हम इसको रिस्टार्ट करेंगे। तो इसको हम रिस्टार्ट, हाँ से हम वापस एक बार बूट का सीक्वेंस अभी हम चेंज देखेंगे क्या है सीक्वेंस। यहाँ पे जो प्राइमरी सीक्वेंस जो बूट है अभी वापस यहाँ से चेंज हुआ है, तो उसको हम वापस हम चेंज करके ले लेंगे अभी। तो अभी प्राइमरी बूट में सीक्वेंस अभी तो GB को यहाँ से मैंने सेट किया हूँ, अभी इसको हम F10 सेव कॉन्फ़िगरेशन। अभी वापस रिस्टार्ट हो रहा है अभी कंप्यूटर हमारा।
अब उससे पहले हम वापस एक बार चेक कर लेंगे कि इसका प्राइमरी बूट सीक्वेंस क्या है। अभी बराबर है तो वापस हम F10 करेंगे और इसको S करेंगे। तो अभी शायद अभी 100% अभी गीगाबाइट के SSD से ये विंडो स्टार्ट होना चाहिए। अभी हमारा CPU जो स्टार्ट हो गया है, अभी यहाँ पे हमारा डिस्प्ले भी आ गया है, तो हम थोड़ा सा बस वेट करेंगे। अभी देखिए विंडोज़ का लोगो आ गया है। अभी मुझे लगता है अभी SSD से ऑन हो गया, बिकॉज़ बहुत ही क्विकली फास्टली ये ओपन हो गया है। तो आई थिंक कि अभी SSD से ऑन हुआ है, मुझे ऐसे लग रहा है। तो अब देख सकते हैं, हम इसको रिफ्रेश कर लेंगे। आप देख सकते हैं मेरे पूरी तरीके से हार्ड ड्राइव से SSD में यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया है। इसको मैं आपको राइट क्लिक करके यहाँ से दिखा देता हूँ, ये हो गया। और उसके बाद यहाँ से हम इसका परफॉर्मेंस चेक करेंगे। यहाँ पे SSD अभी यहाँ से एक्टिव है। अब देखते हैं यहाँ से अभी SSD एक्टिव है। तो इस तरीके से आसानी से हम हार्ड ड्राइव का जो भी विंडोज़ हार्ड ड्राइव में जो भी विंडोज़ है, हम उसको आसानी से SSD में कन्वर्ट कर सकते हैं।